Adab. So, we invited you so that we can give you a slight briefing about phase 3 of elections. जैसा आप सबको मालूम है कि दो फेज की इलेक्शन इस 8 फेज डीडीसी इलेक्शन में खत्म हो चुकी है. फेज 3 की इलेक्शन कल है. फेज 3 की इलेक्शन कल कश्मीर के 10 जिलों में, श्रीनगर को छोड़ के सभी जिलों में है. श्रीनगर में कल कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है. बारामूला में कल दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, संग्रामा और बबूला. कुलगांव में एक है, पुंछ. अनंतनाग में दो हैं, कुवेरीपुरा और हिंडर. पुलवामा में दो हैं, पुलवामा और हरिपाल. कुपवाड़ा में दो हैं, हाईहामा और गाजीबाद. और गांव में कल एक है, सुखनाग. बांदीपुरा में एक, बोनाकूट. शोपिया में दो, शोपिया एक और शोपिया दो. गांदरबल में भी दो हैं कल, गांदरबल तीन हैं, गांदरबल ए, गांदरबल बी और गांदरबल सी. टोटल मिला के कश्मीर में कल 16 कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन होगी डीडीसी. जम्मू में भी उसी तरह कल 16 में ही है, 17 में. किश्तवाड़ में दो हैं, भुंजवा और नागसेनी. डोडा में दो में है, भद्रवा ईस्ट और भद्रवा वेस्ट. रामबन में एक जगह में है, भूल में. रियासी में दो जगह में है, माहौर और थुरू में. कठुआ में भी कल दो जगह में है, सोनी में और बिलावर में. सांबा में दो जगह में है, विजयपुर ए, विजयपुर बी. जम्मू में दो जगह में है, मालवाल में और मर में. राजौरी में दो जगह में है, दूधर कोर्ट ए और थाना मंडी. और पुंछ में दो जगह में है, नौरान में और मंडी में. टोटल मिला के 33 कॉन्स्टिट्यूएंसीज डीडीसी की. जैसा आपको मालूम है कि हर एक जिले में 14 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं और टोटल मिला के डीडीसी की 280 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं. कल जम्मू कश्मीर में फेज 3 में 33 कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जम्मू और कश्मीर के दोनों डिवीजन में कल इलेक्शन होगी. पोल टाइमिंग सभी को मालूम है, लेकिन आपके मीडियम के थ्रू और आपका बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए. हम लोगों को फिर बताने का मौका मिलता है जो इलेक्शन रिलेटेड हमारी इंफॉर्मेशन होती है. 7 बजे से लेके 2 बजे तक पोलिंग होगी कल डीडीसी इलेक्शन की. और कैंडिडेट के कितने हैं अभी बताते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ही जो सरपंच की वैकेंसीज हैं इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में और जो पंच कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसमें भी, जहां पर एक से ज़्यादा कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं वहां पर इलेक्शन होंगी. कुछ ऐसे हमारे इलाके हैं जहां पर सरपंच अनअपोज्ड ऑलरेडी इलेक्ट हुए हैं, और उसी तरीके से अनअपोज्ड का मतलब है एक ही कैंडिडेट था वो इलेक्ट हुआ. और इसी तरीके से पंच कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी उस जगह में पंचेस अनइलेक्टेड पोल हुए हैं. उसका डेटा जो हम आपको प्रेस रिलीज दे रहे हैं थोड़ी देर के बाद में, उसके लिंक में लिखा हुआ है. डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो जनरल इलेक्शन है और बड़े हायर लेवल की इलेक्शन है पहली बार जम्मू कश्मीर में, उसमें जैसा मैंने कहा कि 33 कॉन्स्टिट्यूएंसी कल इलेक्शन होगी. इसमें 305 कैंडिडेट इलेक्टोरल फ्रेम है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए. इसमें जो कश्मीर की 16 है उसमें 166 कैंडिडेट हैं, और जो जम्मू की 17 हैं उसमें 139 कैंडिडेट हैं. सो टू पुट इट इन इंग्लिश, टोटल 305 कैंडिडेट्स आर इन फ्रे, विच इंक्लूड्स 160 कैंडिडेट्स फ्रॉम कश्मीर डिवीजन फॉर 16 कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड 139 कैंडिडेट्स फ्रॉम जम्मू डिवीजन फॉर द 17 कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन जम्मू प्रोविंस. मेल फीमेल कैंडिडेट्स कल की जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट की इलेक्शन है, सब मिला के 305 कैंडिडेट में से 252 मेल हैं और 53 आर फीमेल कैंडिडेट्स. सरपंच बाई पोल कल जो होगी वो फेज 3 में 126 टोटल थी कॉन्स्टिट्यूएंसी यहाँ पर होनी थी, लेकिन 40 सरपंच अनपोस्ट इलेक्ट हुए. तो कल की इलेक्शन जो है वो 66 कॉन्स्टिट्यूएंसी में होगी 4 दिसंबर वाली. और इसमें 66 कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 184 कैंडिडेट हैं सरपंच के लिए. इसी तरीके से जो पंच कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसमें सब मिला के 749 कैंडिडेट्स हैं. इसमें 558 मेल्स हैं, 191 फीमेल्स हैं.
है ये फेज़ फोर में 327 वैकेंसीज थी, ये भी डेटा हम आपको दे रहे हैं, और पांच कॉन्स्टिट्यूएंसीज के, ये पांच कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बाद मैंने ऑलरेडी बताया कि कुछ पंच और कुछ पंच ऑलरेडी इलेक्ट हो गए हैं, उसका डेटा हमने आपको दे दिया है। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा कि ये इलेक्शन कोविड में हो रही है, एक बार फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू प्रिंट मीडिया जो आप यहाँ पर सारे रिप्रेजेंटेटिव आए हैं आपका धन्यवाद है, आपके थ्रू एक बार फिर मैं ये सबको अपील करना चाहूँगा सभी वोटर्स को, सबसे पहले तो ये कि मैक्सिमम पार्टिसिपेट करें इलेक्शन में, आपके जो वोटर ये सुन रहे हैं इस समय या जो न्यूज़ पढ़ेंगे आपके इलाके में जो कल इलेक्शन हो रही है फेज फोर और साथ में आने वाले फेजेस में भी जो बचे हुए हैं अपने वोट का पता करें, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, आपके कैंडिडेट कौन से हैं, और कल ज़रूर अपना वोट डालें और वैसे ही आगे वाले फेजेस में भी अपने वोट डालें। ये इलेक्शन चूँकि कोविड पैंडमिक में हो रही है, डिटेल गाइडलाइन का प्रयोग करें, सबसे पहली चीज़ है कि वोटर जब अपने घर से निकले तो अपना मास्क पहन के निकले, ये ऑब्लिगेटरी है, ये कंपलसरी है और ये मैंडेटरी है कोविड गाइडलाइन में, क्योंकि आप एक पब्लिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, और जैसे ही पोलिंग स्टेशन में पहुंचते हैं तो वोटर्स को एक बार फिर अपील करते हैं हम यहाँ से स्टेट इलेक्शन कमीशन से कि जब कतार में रहें तो 6 फुट का फिजिकल डिस्टेंस, 6 फुट की दूरी एक जो व्यक्ति आपके आगे है और जो आपके पीछे है उसमें रहे, और पोलिंग स्टेशन के अंदर में कोविड रिलेटेड सारे इंतज़ाम ये हुए हैं, सैनिटाइजर रखने के, टेम्परेचर लेने के, और कुछ एक एक्स्ट्रा मास्क भी वहाँ पर रखे हुए हैं कि अगर कोई वोटर भूल जाता है तो झांक के देने के लिए। और एक बार फिर सबसे अपील करते हैं कि कल की आप वोटिंग करें, इसी तरीके से डेमोक्रेसी जम्मू कश्मीर में मजबूत होगी, ये पहली बार जिला विकास प्राधिकरण, जिला विकास परिषद, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सारे जम्मू कश्मीर के भाई बहन जो एलिजिबल वोटर्स हैं वो डीडी सिलेक्शन में और सरपंच और पंचायत की जो बाई इलेक्शन है उसमें आके पार्टिसिपेट करेंगे।